आप देख रहे हैं लाइव लगातार सिमडेगा से, मैं हूं पंचम। सिमडेगा जिला के कोलिबिरा प्रखंड और बानो प्रखंड के दो प्रखंड को मिलाकर लगभग 70 किलोमीटर का एक मानव श्रृंखला बनाया गया है और आदिवासी अपना हक अधिकार का मांग कर रहे हैं और मणिपुर घटना को लेकर अपना बात रख रहे हैं। आइए, आदिवासियों का क्या कुछ कहना है हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो हमारे आदिवासी समाज और आदिवासी के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसी को हम लोग आज दिखाना चाहते हैं कि हम सब आदिवासी एकजुटता है। और साथ ही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से आगे फिर से आदिवासियों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे। मणिपुर में जो घटना हुई महिलाओं के ऊपर में, आगे हम लोग दूर से या नज़दीक से, हम लोग जितना भी महिला या जेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जुलूस में हैं, और हम लोग सरकार तक ये बातों को हम लोग को पहुँचाना है। महिलाओं के लिए हम लोग को सुरक्षा होना चाहिए और आगे तक जिंदगी हम लोग महिलाओं का इज्जत मान सम्मान रखना चाहिए और आगे तक हम लोग का ये मणिपुर का जो हालत जो हाल हुआ है उस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ झारखंड सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का महिलाओं के लिए सुरक्षा होना चाहिए और आगे ऐसे नहीं घटना नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। घटना हो रहा है उसके विरोध में आज हम मानव श्रृंखला बनाकर यह संदेश देना चाहते हैं। मणिपुर में जो घटना हुआ वह घटना हमारे देश के किसी भी कोने में ना क्या हुआ, मणिपुर में जो आदिवासियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया करके घुमाया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताना। आप देख रहे हैं लाइव लगातार सिमडेगा से, मैं हूं पंचम। सिमडेगा जिला के कोलिबिरा प्रखंड और बानो प्रखंड के दो प्रखंड को मिलाकर लगभग 70 किलोमीटर का एक मानव श्रृंखला बनाया गया है और आदिवासी अपना हक अधिकार का मांग कर रहे हैं और मणिपुर घटना को लेकर अपना बात रख रहे हैं। आइए, आदिवासियों का क्या कुछ कहना है हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से।